Kratos knew that this was not a mere vision. For with the gods, nothing was ever as it seemed. दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं इम्यूलेटर्स के बारे में और कैसे इम्यूलेटर्स काम करते हैं, इम्यूलेटर्स होते क्या है और कैसे अब आप अपने सस्ते से सस्ते एंड्रॉयड फोन में पीएसपी के गेम खेल सकते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता पीएसपी क्या होता है, पीएसपी मतलब प्ले स्टेशन पोर्टेबल, एक हैंड हेल्ड डिवाइस था जो कि या अभी भी है, जो कि 2010-2011-2009 के आसपास मतलब अर्ली 2010 के जमाने में काफी पॉपुलर था। इस पे अलग गेम आते थे, प्ले स्टेशन निकालता था, सोनी निकालता था और आप उसे खेल सकते थे। इसके लिए बहुत लेजेंडरी गेम आए जैसे कि गॉड ऑफ वॉर, घोस्ट ऑफ स्पार्टा और बहुत सारे गेम, लाइक बहुत सारे हैंडहेल्ड डिवाइस है, मींस उसमें वो बैटरी पावर्ड है और बैटरी पावर्ड डिवाइसेस नॉर्मली लो पावर्ड सीपीयू पर ही चलते हैं और कम वाले सीपीयू पर चलते हैं। सो अगर वो उस पर चल रहा है सो दैट मींस वो मॉडर्न मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस और स्मार्टफोन जो है उस पर भी चल सकता है, तो उसको इम्यूलेट कर दिया गया। अब यहां से बात आती है कि भाई ये इम्यूलेटर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं बताता हूं। जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को इमिटेट करता है और उसके सॉफ्टवेयर को अपने अंदर चला लेता है, उसको इम्यूलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी प्ले स्टेशन 2 के जो गेम्स हैं आप अपने कंप्यूटर में खेल सकते हो। प्ले स्टेशन 2 एक अलग सिस्टम है, उसका बायोस अलग है, उसके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी उस पर सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो विंडोज सॉफ्टवेयर से बिल्कुल अलग है। यहां पर एक चीज कॉमन है, ये दोनों ही कंप्यूटर है। जी हाँ, आपका जो प्ले स्टेशन है वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी इनपुट है, आउटपुट है, अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग हो रही है। सो बेसिकली वो भी एक कंप्यूटर है जो कि ग्राफिक्स के लिए बनाया गया है, जो कि 3D प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें आप गेम खेल रहे हो तो 3D प्रोसेसिंग होगी। जबकि जो आपका विंडोज कंप्यूटर है वो आपके घर के काम के लिए, नॉर्मल के लिए बनाया गया है। दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में हार्डवेयर है, दोनों में रैम है, दोनों में स्टोरेज है, दोनों में आप इनपुट डिवाइस लगा सकते हो, दोनों के आउटपुट स्क्रीन से आते हैं। सो हार्डवेयर वाइज वो काफी सिमिलर हैं, सॉफ्टवेयर वाइज वो काफी अलग हैं। तो विंडोज के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया जो कि उस हार्डवेयर को ऐसा बना दे, इमिटेट करे कि जैसे कि वो प्ले स्टेशन का सिस्टम है। नाइस। इसके लिए क्या करना होता है कि हमें उसका इम्यूलेटर विंडोज पे इंस्टॉल करना होता है। तो विंडोज पे वो चलता है और वो सिस्टम को कंफ्यूज करता है, वो बोलता है कि भाई मैं प्ले स्टेशन हूं, विंडोज वर्क प्ले स्टेशन, लेकिन वो जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जो बायोस होता है, वो खुद से नहीं बना सकते बिकॉज वो एक्सक्लूसिव सोनी का होता है। सो बायोस अपने ओरिजिनल कंसोल से एक्सट्रैक्ट करके आपको अपने विंडोज कंप्यूटर में डालने पड़ते हैं आपके इम्यूलेटर पे, और तब आप प्लेस्टेशन 2 के गेम इजीली अपने विंडोज में खेल पाते हैं। वेरी गुड। अब इम्यूलेशन सिर्फ इसलिए ही नहीं होता, आप पुराने से पुराने गेम्स को भी खेल सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रा, मारियो, एडवेंचर आइलैंड, F1 रेसिंग, जेविलियन थ्रो, ये जितने भी पुराने गेम है ना जो टीवी गेम में आते थे वो सब भी आप एम्यूलेट कर सकते हैं, ये NES में आए थे। तो ये जो कॉन्सोल था, ये जो गेमिंग सिस्टम था, जो आर्केड आया था, ये पुराना है भाई, 1970 के दशक का, 1990-80 पुराने, ये बहुत कम पावरफुल कंप्यूटर पे भी चल जाता है बिकॉज ये पुराने जमाने के गेम्स हैं तो इनके लिए प्रोसेसिंग बहुत कम चाहिए। आप मानोगे नहीं, जो कॉन्ट्रा है ना वो 50 KB का गेम है, 50 KB, 1 MB भी नहीं, 50 KB, इतना बड़ा गेम है वो। तो आपके मॉडर्न कंप्यूटर पर तो कितने भी चल जाएंगे, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इम्यूलेटर चला सकते हैं, NES का इम्यूलेटर मिल जाता है। ध्यान दें, ज्यादातर जो इम्यूलेशन होता है वो ज्यादा पावरफुल मशीन कम पावरफुल वाले को इम्यूलेट कर सकती है, लेकिन कम पावरफुल वाली ज्यादा पावरफुल वाले को नहीं कर सकती। जैसे कि अगर अभी आपका बहुत हैवी कंप्यूटर है तो आप शायद प्लेस्टेशन 3 के गेम को भी इम्यूलेट कर सकते हैं, बट आपका कंप्यूटर अगर 2001 का है तो आप प्लेस्टेशन 2 को नहीं कर पाओगे क्योंकि कमजोर है ना, इससे ज्यादा तो प्लेस्टेशन, क्योंकि विंडोज का भी ऑलरेडी लोड रहता ही है। मैं आपको अब प्लेस्टेशन पोर्टेबल का गेम गॉड ऑफ वॉर आपके एंड्रॉइड में, जो कि रेडमी नोट 5 काफी साल पहले निकला था, काफी पुराना डिवाइस है, इस पर मैं आपको गॉड ऑफ वॉर घोस्ट ऑफ स्पार्टा खेलकर दिखाऊंगा। आप देख सकते हो, मजे लो, एंड्रॉइड पर कैसे खेलना है भाई, पीएसपी का इम्यूलेटर आता है, प्ले स्टोर से डाल लो, रोम आप खरीद लो ओरिजिनल, मैं पायरेसी को प्रमोट नहीं करता, आप कहीं से भी लाते हो मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मेरा काम यह बताना है कि बस ओरिजिनल कॉपी ले लेना पीएसपी के घोस्ट ऑफ स्पार्टा गॉड ऑफ वॉर की, और उसे डाल के आप मजे से खेल सकते हो। जिप फाइल आएगी गेम की या जैसे भी लेते हो आप, वैसे तो ओरिजिनल ही लेनी है, तो डाल के उसको लोड कर लो और मजे से
गॉड ऑफ वॉर अपने एंड्रॉयड में खेलो, और जितने भी पीएसपी के गेम है वो भी खेल सकते हो। मैंने तो सुना है प्ले स्टेशन 2 के गेम भी आप एंड्रॉयड में खेल सकते हो, तो आइए देखते हैं कि कैसा चलता है गेम। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, हैकर बनना अच्छा वाला, तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। 299 रुपीज़ के 3 एथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको एथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। Kratos, the ghost of Sparta, had taken his place amongst the Olympians as the god of war. The bloodshed, the relentless battles had finally brought him here. Ares was dead, and though Olympus beckoned, visions of his mortal existence still haunted him. Kratos knew that this was not a mere vision, for with the gods, nothing was ever as it seemed. The vision of his past set Kratos in search of answers, answers that lay in the temple of Poseidon, deep within the city of Atlantis. Action, Kratos. It was a dream, nothing more. The visions still haunt me, Athena. The visions you promised to take away. But this vision, I can change. Perhaps it is a vision best left unchanged. There is more to this than you know. Please.
Thank you.